क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर सिंपल हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन देकर रखे हैं, ये और ये। इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका फैक्टर दो या दो से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 क्या है आपका, कॉमन है, तो हम लोग उसको बाहर लिख लेते हैं। अब जो बच्चा उसको अंदर, तो यहाँ पे 7 × 11 ये 13 बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ना, तो यहाँ पे 1 एंड प्लस ये भी 13 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे भी आपका 1। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 77 एंड 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 रहने वाला है, तो ये 77 एंड प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 77 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 78। अब अगर आप लोग देखेंगे तो 78 हमारे पास आया, तो हम लोग इसका फैक्टर भी तो निकाल सकते हैं ना, तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके प्लेस में हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 78 का फैक्टर आ जाएगा। ओके, सो 78 के फैक्टर्स क्या आए, ये तीनों कितनों। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे उसको लिख सकता हूँ, तो ये 13 एज इट इज, अभी जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आपका, सबसे पहले 2 × 3 × 13 एंड यहाँ पे नीचे में 1 भी है, क्लियर। सो यहाँ पे लास्ट में 1 भी आ गया, तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके टोटल कितने सारे फैक्टर्स हो गए, है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग पार्ट टू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है आपके पास, तो ये और ये 5 कॉमन है, तो इसको भी हम लोग बाहर लिख लेंगे। अब बच्चा है जो उसको हम लोग अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6 7 6 यहाँ पे 5 बाहर आ चुका है, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 तो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड ये भी 5 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। ओके, आगे ये 5 एज इट इज। अब यहाँ पे अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1008 एंड ये प्लस 1 एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, तो ये 5 एज इट इज, अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया आपके पास, 1009। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट रिमूव करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 5 × 1009 एंड कुछ यहाँ पे इसका एक फैक्टर छुपा होता ही है जो है आपका 1। ठीक है, तो अगर आप लोग बेसिकली देखेंगे तो कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, तो दो फैक्टर तो मिनिमम है ना, तो मिनिमम दो फैक्टर है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। लास्ट में यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, ओके, लास्ट में आप लोग ये स्टेटमेंट लिख लीजिए कि दोनों के दोनों नंबर जो है वो सिंपल क्या है, कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।